वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा संसाधन भूगोल की परिभाषा और संसाधनों का वर्गीकरण। इस वीडियो में हम इन दोनों को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संसाधनों का विषय क्षेत्र क्या है और इसका महत्व क्या है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हो, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि संसाधन शब्द इंग्लिश के रिसोर्स से बना है, जो कि री और सोर्स दो वर्ड से बना है। री का मतलब होता है दीर्घ अवधि या पुनः, और सोर्स का मतलब होता है साधन। तो कोई भी साधन होता है, जब तक हमें उसकी नॉलेज नहीं होगी, उसकी जानकारी नहीं होगी, तब तक हम उसको उपयोग में नहीं ले सकते। और जब तक हम उसको उपयोग में नहीं ले सकते, तब तक वो साधन के संसाधन के श्रेणी में नहीं आता है। तो कोई भी साधन होता है, संसाधन के श्रेणी में आने के लिए उसको कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। तो उनको समझ लेते हैं। पहली बात तो वो वस्तु उपयोग संभव हो, उस वस्तु का उपयोग संभव होना चाहिए कि उसको कोई ना कोई उपयोगी हो। दूसरा है जिसका रूपांतरण अधिक मूल्यवान तथा उपयोगी वस्तु के रूप में किया जा सकता हो। फिर इसमें तीसरा है जिसमें निश्चित उद्देश्यों को पूर्ति करने की क्षमता हो। फिर चौथा है संसाधनों के रूप में सतत विकास करने के लिए आवश्यक पूंजी से हो। ये चार गुण होने चाहिए कोई भी साधन में, तभी वो संसाधन के श्रेणी में आता है। तो दोस्तों, अब संसाधन की परिभाषाओं की बात करें तो अलग अलग भूगोलवेत्ता ने अलग अलग परिभाषा दी थी। इनमें से हम कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिम्मेरन की। तो मैंने आपको बताया था कि संसाधन भूगोल पहले मानव भूगोल के अंतर्गत ही पढ़ा जाता था, लेकिन पहली बार 1953 में जिम्मेरन की अपनी पुस्तक थी विश्व के संसाधन एवं उद्योग, उसमें अलग प्रकाशन किया था संसाधन भूगोल का। तो हम देख लेते हैं जिम्मेरन ने संसाधन क्या परिभाषा दी है। तो उन्होंने कहा कि संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती है। उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। संसाधन की परिभाषा दी है जिम्मेरन महोदय ने। आगे बात करें समाज विज्ञान कोष के अनुसार, तो उन्होंने कहा है कि संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष हैं जिनके द्वारा मानव अपने आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होती है और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ये समाज विज्ञान कोष के अनुसार इसकी परिभाषा है। आगे बात करें हम डफले स्टाम्प के अनुसार, तो संसाधन किसी आवश्यकता या कमी पूर्ति करने वाला साधन होता है। यह एक संग्रहण या आरक्षित राशि है जिसका कोई भी आवश्यकता पर दोहन कर सकता है। कहने का मतलब संसाधन एक संरक्षण आरक्षित राशि है जिसका जब किसी को भी जरूरत हो तो उसका वो उपयोग कर सकता है। तो ये डफले स्टाम्प ने परिभाषा दी थी इसकी। तो आगे बात करें हम संसाधनों के निर्माण की। तो संसाधनों के निर्माण की जन्मदायिनी प्रकृति को माना जाता है। हमें सभी संसाधन प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। तो प्रकृति में अनेक तत्व स्वयं संसाधन तथा संसाधन निर्माणकारी दोनों रूपों में पाया जाता है। स्वयं संसाधन का मतलब होता है जो हमें सीधे ही प्रकृति से मिलते हैं और हम उन्हें ऐसे कैसे उपभोग करते हैं। दूसरा होता है निर्माणकारी साधन, जिनका हम प्रकृति से प्राप्त साधनों का रूप परिवर्तित करके उसको हम उपयोग में लेते हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि प्रकृति से हमें जल प्राप्त होता है, हम उसको उपयोग में करते हैं तो वो एक स्वयं संसाधन हो गया, लेकिन हम उस जल से जल विद्युत बनाते हैं तो जो जल विद्युत है वो भी एक संसाधन है, लेकिन वो निर्माणकारी संसाधन में आ गया। तो आगे बात करें हम संसाधनों की संकल्पनाओं के बारे में। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग संकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। तो इन संकल्पनाओं को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, संसाधन मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। इस प्रकृति में बहुत सारे संसाधन पाए जाते हैं, लेकिन हमें उनकी नॉलेज नहीं है, तब तक हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, वो संसाधन में नहीं आता है। यह बात हम जानते हैं कि पृथ्वी के भूगर्भ में पहले से ही कोयला पेट्रोल दबा हुआ था, लेकिन जब उनका खनन किया गया, उनके बारे में जानकारी हुई, तभी हम उसको उपयोग कर पाए और उसको हम समझ पाए, तभी तो हम उसका उपयोग कर पाए थे। फिर इसमें अगला है संसाधन एक गतिशील संकल्पना है, स्थिर नहीं। जी हाँ, संसाधन गतिशील है, आज उसका अलग रूप अगले दिन, तो वो गतिशील संकल्पना हो गई। फिर इसमें संसाधन एक कार्यात्मक संकल्पना है, जिससे कि किसी के एक कार्यों की एक उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। फिर इसमें अगला है संसाधन प्रतिरोधों एवं तटस्थ तत्वों के साथ मिलते हैं।
फिर है मनुष्य के रहन सहन का स्तर संसाधनों के उपयोग का परिणाम है। जी हाँ, मनुष्य का रहन सहन उसका कैसा रहेगा वो संसाधनों का परिणाम है। जैसे जितने संसाधनों का उपयोग करेगा उसका रहन सहन उतना ही परिवर्तित रहेगा। अगला है इसमें संसाधनों के संरक्षण की संकल्पना, काफी इंपॉर्टेंट है ये संकल्पना, क्योंकि आज के युग में मनुष्य संसाधनों का अति दोहन कर रहा है। उसको ये पता नहीं है कि संसाधनों का ज़्यादा उपभोग करने से कितना नुकसान होता है। इस प्रकृति में कुछ संसाधन सीमित हैं, उनका हमें अति दोहन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो फिर खत्म हो जाएंगे। कि पहले लोग कहते थे कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो हमें संसाधन चाहे समाप्त होने वाला हो चाहे असमाप्य हो, हमें उनका सीमित ही उपयोग करना चाहिए, अति दोहन नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए संसाधन संरक्षण की संकल्पना दी गई है। तो दोस्तों, अब हम बात करें संसाधनों की प्रकृति के बारे में। तो संसाधनों की प्रकृति गतिशील है, वो निरंतर रूप परिवर्तन करते रहते हैं, नवीन स्वरूप प्राप्त करते रहते हैं वो। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटक का जो कार्य करता है वो होता है समय। समय परिवर्तन होता रहता है, संसाधन भी परिवर्तित होते रहते हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि प्राकृतिक वातावरण से मनुष्य द्वारा उपयोग किया गया, फिर उससे तकनीकी ज्ञान व सभ्यता का विकास हो गया, फिर उससे संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि हो गई। जब सभ्यताओं और तकनीकी ज्ञान का विकास हो गया तो हर संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि हो गई, नए नए संसाधन बनाने लग गए, और फिर संसाधनों की प्रकृति में भी परिवर्तन हो गया, संसाधन भी बदलते गए और अच्छे संसाधन बनाते गए। ऐसे एक उदाहरण से समझिए कि कोयला संसाधन के रूप में उपयोग हुआ, फिर कोयले में भी और अच्छी क्वालिटी हो गई, पीट हो गई, लिग्नाइट हो गई, बिटुमिनस हो गई, इन एंथ्रेसाइट हो गई। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं एग्जाम में। तो चलिए इसको समझते हैं। तो आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा, इसमें संसाधनों के वर्गीकरण को तीन आधार पर बांटा गया है। पहला है उपयोगिता की सततता के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा है उद्देश्य के आधार पर। पहले की हम बात करें उपयोगिता की सततता के आधार पर, कहने का मतलब कोई भी संसाधन कब तक उपयोग किया जा सकता है। सततता का मतलब होता है निरंतर। तो इसको तीन भागों में बांटा गया है, पहला है नवीकरण, दूसरा है अनवीकरण और तीसरा है चक्रीय। नवीकरण का मतलब होता है जिसको नया बनाया जा सकता है, कहने का मतलब जो असमाप्य है। अनवीकरण का मतलब है जो संसाधन दोबारा नहीं बनाए जा सकते, जो कि सीमित संसाधन है, समाप्य संसाधन, उनको अनवीकरण बोलते हैं। और तीसरा इसमें चक्रीय संसाधन, जो कि उसको दोबारा उपयोग में ले लिया जा सकता है, तो चक्रीय होता है। नवीकरण के उदाहरण के आप समझो तो नवीकरण में जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। अनवीकरण की हम बात करें तो जैसे कि पेट्रोल हो गया, कोयला, डीजल, ये सभी सीमित संसाधन है। ठीक है, आगे बात करें हम उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार होते हैं संसाधन। पहला होता है जैविक संसाधन, दूसरा होता है अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन का मतलब होता है ऐसे संसाधन जिनमें जीव पाया जाता है, जीव जंतु, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु इसमें सारे आ गए, वनस्पति जगत और प्राणी जगत दोनों इसमें आ गए। अजैविक संसाधन जिनमें जीव नहीं पाया जाता है लेकिन वो भी संसाधन के रूप में काम में आते हैं, तो वो अजैविक संसाधन होते हैं। जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, इनमें जीव नहीं होता लेकिन ये संसाधन के रूप में काम में आते हैं। मिट्टी हो गई, वर्षा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, ये सारे अजैविक संसाधन है। आगे बात करो उद्देश्य के आधार पर, तो उद्देश्य के आधार पर संसाधनों के तीन भाग हैं। पहला है ऊर्जा संसाधन, दूसरा है कच्चा माल आधारित संसाधन और तीसरा है खाद्य पदार्थ। तो ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा संसाधन होते हैं। ऊर्जा संसाधन की मैं बात करूं तो ऊर्जा संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है समाप्य संसाधन, दूसरा है असमाप्य संसाधन। समाप्य संसाधन में आप ऐसे समझिए कि परंपरागत संसाधन, कहने का मतलब जो समाप्त हो सकते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, खनिज तेल, ये ऊर्जा वाले संसाधन है जो कि समाप्य संसाधन है। ऐसे ही असमाप्य संसाधन की बात करूँ तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा,
ये असमाप्य संसाधन है दोस्तों। मैंने आपको उपयोगिता के सततता के आधार पर भी दो प्रकार बताए थे, नवीकरण और अनवीकरण। वो उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण है और यहाँ पर ऊर्जा संसाधन के रूप में वर्गीकरण है। कहने का मतलब ऊर्जा संसाधन में केवल वही संसाधन आएंगे जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। आगे बात करूँ कच्चा माल के आधार पर, तो कच्चे माल के आधार पर संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है खनिज, खनिज के रूप में भी जो खनन करके जब हम कोई भी चीज़ खोद कर निकालते हैं तो उसकी अवस्था कच्चे माल में आती है, लेकिन जब उसको भट्टी में पकाया जाता है तो तब वो पकता है, उससे पहले वो कच्चा रहता है। दूसरा होता है वनस्पति, वनस्पति के रूप में भी हमें कच्चे माल ही बोलते हैं, कच्चा माल की प्राप्ति होती है वो। और तीसरा होता है जीव जंतुओं से, जीव जंतुओं में जैसे कि जंगली भी हो सकते हैं, समुद्री भी हो सकते हैं जीव जंतु, और पालतू भी हो सकते हैं। वनस्पति की मैं बात करूँ तो वनस्पति रूप में कच्चे माल हमें 2 तरीके से प्राप्त होते हैं, एक है प्राकृतिक, प्रकृति से ही सीधे कच्चे माल की प्राप्ति हो, और दूसरा है कृषिगत। प्राकृतिक रूप में हम बात करें तो प्रकृति से हमें लकड़ी प्राप्त हो गई, गोंद हो गया, रेंजीन हो गया, शहद हो गया, ये प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। लेकिन कृषिगत की हम बात करें तो कृषि से रबड़ हो गया, गन्ना हो गई, घास हो गया, गेहूं, ये हम कृषिगत रूप में इसको प्राप्त करते हैं, इसको हम पैदा करते हैं कहने का मतलब। और प्रकृति से सीधे प्राप्त होने वाले लकड़ी, गोंद, रेंजीन, ये सारे प्राकृतिक हो गए। दोस्तों आगे खाद्य पदार्थ की हम बात करें तो खाद्य पदार्थ को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है खनिक, दूसरा है वनस्पति, और तीसरा है पशु या जीवों से। तो खनिक रूप में नमक आता है, वनस्पति रूप में जो हमें वनस्पति से प्राप्त होता है मतलब पेड़ पौधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कंद मूल फल हो गए, सब्जियां हो गई, हरी सब्जियां, तो ये प्रकृति से प्राप्त होती है। फिर पशु या जीव जंतु, तो पशु या जीव जंतुओं से हमें दूध, घी, तो ये कच्चे माल में ही आता है खाद्य पदार्थ, ठीक है। इसको आप समझ गए होगा, ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इसको समझना, इसको आप वर्गीकरण को समझ गए तो ये समझ लिए आप संसाधनों की एक बहुत बड़ी टेबल को आप समझ गए, इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। तो दोस्तों अधिकार एवं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार की हम बात करें, कहने का मतलब संसाधन पर किसका अधिकार है, उसके आधार पर भी संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय या सार्वभौमिक संसाधन, दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन, और तीसरा है व्यक्तिगत संसाधन। आपको वैसे तो इनके शब्दों से ही पता चल गया होगा कि संसाधन इस क्षेत्र में कौन कौन से संसाधन आएंगे, तो आपको इसको समझा देता हूँ। सार्वभौमिक या अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात करें तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन पर एक देश का हक होता है, जैसे कि महासागर हुए, महासागरों की सीमाएं निश्चित होती हैं कि किस देश की हक कहाँ तक है। फिर उसके बाद में वो सार्वभौमिक संसाधन क्या आता है, और सार्वभौमिक रूप में हम बात करें तो सौर ऊर्जा हो गई, सबसे बड़ा स्रोत सौर ऊर्जा हो गया, जो कि सौर ऊर्जा किसी एक की प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं, इस पर सभी का हक है, कोई सा भी देश इस सौर ऊर्जा को काम में ले सकता है, ठीक है। ऐसे ही राष्ट्रीय संसाधन की बात करूँ तो राष्ट्रीय संसाधन में ऐसे संसाधन आते हैं जैसे किसी एक राष्ट्र का उस पर हक हो, तो वो राष्ट्रीय संसाधन में आता है। आप इसको ऐसे समझिए कि भारत में मयूरभंज खान है, जिसमें जिस पर केवल भारत का अधिकार है, इस पर आकर कोई दूसरा देश आकर इस पर अपना हक नहीं जता सकता, ये केवल भारत की है। ऐसे ही लंका शायर है, कोयले की खान, ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड में है, तो इसमें इंग्लैंड का हक है, ठीक है। ऐसे ही इसमें एक और है पेंसिल्वानिया, जो कि कोयला की एक खान है, जो कि यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका की है, तो उस पर संयुक्त राज्य अमेरिका का हक है, तो वो राष्ट्रीय संसाधन में आ गई है, ठीक है। ऐसे ही व्यक्तिगत संसाधन की बात करें जिस पर किसी एक व्यक्ति का हक हो, जैसे कि परिवार अपने घर में भूमि होती है तो उस पर खुद का हक होता है, भवन हो गया, खुद का घर हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सभी चीज़ें व्यक्तिगत संसाधन में आती हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आपको मेरी ये वीडियो, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर भी कर दीजिएगा, और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तो पहुँच सके। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।